हेलो एवरीबॉडी, मैं शिल्पी और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, वो एक हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल है। आज मैं आपके साथ दीपिका एंड आलिया इंस्पायर्ड ये स्लीक बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्लासी एंड स्मार्ट लगता है। आप इसको साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, इवन आप इसको वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है एंड आप इसको ईजिली 5 मिनट्स में बना सकते हैं। तो देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लीक बन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बालों को स्मूथ करना है, तो मैंने एक ब्रश की हेल्प से अपने बालों को स्मूथ कर लिया है। बालों में बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं होने चाहिए। अगर बालों में टैंगल्स होंगे तो जो बन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो बालों का स्मूथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ब्रश की हेल्प से अपने बालों को अच्छे से स्मूथ कर लिया है। मैंने जो ये बन बनाया है वो सेंट्रल पार्ट करके बनाया है। आप चाहे तो इसको साइड पार्ट करके अपने हेयर्स का तो भी बना सकते हैं। अब मैंने एक पतला वाला कॉम्ब लिया है एंड अपने बालों को सेंट्रल पार्ट करके 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया है। जो हमने ये पार्ट किया है वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए एकदम, तभी जो बन है उसमें फिनिशिंग आएगी और वो अच्छा भी लगेगा। तो मैंने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है एकदम सेंटर से। बाल में बहुत ही अच्छे से फिनिश होनी चाहिए, बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर हेयर स्प्रे लिया है एंड उसको अपने बालों पे एक बार स्प्रे किया है। एक्चुअली मेरे बाल थोड़े छोटू मोटू से हैं तो वो थोड़े बहुत उनको सेट करने के लिए मैंने स्प्रे का यूज़ किया है। अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब मैंने एक बार फिर से कॉम कर लिया है जिससे कि कोई भी टैंगल्स ना रहे। मैंने जो ये बन बनाया है एकदम लो बन बनाया है, जैसे कि दीपिका एंड आलिया का बन है। आप चाहें तो उसको थोड़ा हाई करके बना सकते हैं। अब हम बॉब पिन लेंगे और इसको मैंने अपने जो छोटू मोटे बाल हैं उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर लगा दिया है दोनों साइड में। अब हम एक रबर बैंड की हेल्प से अपने जो मैंने ये पोनीटेल बनाई है उसको टाई कर लेंगे। यहाँ पर आप ट्राई कीजिए कि छोटा वाला जो ये रबर बैंड होता है वो यूज़ कीजिए। अगर बड़ा वाला रबर बैंड लेंगे तो बन इतने अच्छे से नहीं बनता है। तो मैंने एक छोटा वाले रबर बैंड से अपने पोनीटेल को सिक्योर कर लिया है। अब बस हमें एक ही साइड में अपने बालों को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट ट्विस्ट एंड बस ट्विस्ट एंड उसको रोल करके फिर से हम एक पतला वाला रबर बैंड लेंगे और इसको जो हमने ये बन बनाया है उससे उसको सिक्योर कर लेंगे। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है, अब जो यू शेप वाली पिन होती है उसका यूज करेंगे और जो भी हमारे ये बाल हैं जो निकले हुए इन वाली पिन से उनको सिक्योर कर लेंगे। तो है ना कितना इजी बन, आप इसको झटपट बना सकते हैं। एंड सीरियसली गाइस, आप इसके साथ गजरा भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी, मैंने अभी इसी बन को बनाया था गजरे के साथ। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है, बहुत क्लासी है एंड मैंने फिर से स्प्रे लिया है जिससे कि जो बन है वो सिक्योर हो जाए। रेडी, अब मैं झटपट चेंज करके आ जाती हूँ। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, बहुत ही इजी है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।